तो जनता ने बहुत बड़ा गिफ्ट अरविंद केजरीवाल को दिया है और अब रिटर्न गिफ्ट का इंतजार करेगी। अगले 5 साल क्या रिटर्न गिफ्ट अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली की जनता को देते हैं। बड़े बड़े वादे अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए, अब चुनौतियां हैं उन वादों को पूरा करने की और साथ ही साथ देखना होगा क्या रोड मैप आम आदमी पार्टी तैयार करती है उन वादों को पूरा करने के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ऋतुराज ने किराड़ी विधानसभा से जीत दर्ज की। ऋतुराज से बात की है हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ऋतुराज झा करीब 5600 वोटों से जीते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ऋतुराज जी, पहली प्रतिक्रिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का, किराड़ी की जनता का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में जिस तरह की गंदी राजनीति हुई है, जिस तरीके से हर चीज़ को हिंदू मुसलमान में करने का प्रयास किया गया और जिस तरीके से भगवान तक को अपमान किया गया, मतलब भगवान, हम अगर केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा पढ़ा तो मतलब बीजेपी के लोग उसका मजाक बना रहे हैं, बीजेपी के लोग उस चीज़ का मतलब अपमान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज मंगलवार का दिन है और बजरंगबली ने जो है सो बीजेपी वालों की लंका में आग लगा दी है आज। तो कभी भी भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर केजरीवाल हनुमान भक्त हैं, अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो दिल्ली की जनता की जीत हुई है, काम की जीत हुई है। और ये जो कहते थे ना कि केजरीवाल आतंकवादी है, दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल दिल्ली का बेटा है जो दिल्ली वालों की सेवा करता है। पिछली बार जितनी सीटों पर मार्जिन रहा था वो अब मार्जिन कहीं ना कहीं कम हो गया। आप ही की बात करें तो 10 राउंड तक आप पीछे चल रहे थे लेकिन आखिरी में जाके आप लोगों को बढ़त। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि इन लोगों ने पोलराइज करने का खूब प्रयास किया है और पूरे दिल्ली के अंदर में ये स्थिति रही है, लेकिन अंत में जीत जो है सच्चाई की होती है। इन्होंने खूब गंदी राजनीति करी, खूब कोशिश करी, लेकिन जीत जो है सो हनुमान जी की होती है, बजरंग बली की होती है, उनकी कृपा जिस पर होती है उसकी होती है। किराड़ी की ऐसी क्या कुछ समस्याएं हैं जो अगले 5 साल उस पर गौर किया जाएगा? किराड़ी में अभी सीवर की लाइनें डलनी है। किराड़ी के अंदर में जो सड़कें आप देख रहे हो टूटी हुई है, क्योंकि अभी सीवर की लाइन पहले डलेगी, सीवर की लाइन डलने के बाद सड़कें बनेगी, उसके बाद 2 वहाँ पर नए स्कूल बनने हैं और एक अस्पताल बनना है। और किराड़ी के अंदर जैसे ही सीवर की लाइनें बिछ जाएगी, सीवरेज ड्रेनेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और क्षेत्र रहने लायक बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के जीत पर काफ़ी खुश हैं, इसके साथ साथ पोलराइजेशन का भी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षियों ने काफ़ी पोलराइजेशन करने की कोशिश की लेकिन आखिरकार आम आदमी पार्टी की जीत हो गई। और इसके साथ साथ ये भी कहना है कि किराड़ी में काफ़ी समस्याएँ हैं, चाहे वो सीवेज की समस्याएँ हों, सड़क की समस्याएँ हों, और उन तमाम समस्याओं पर अगले 5 साल गौर किया जाएगा और उन समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।